नाज़रीन किराम, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। आज की वो रात है जहां माशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला आज की एक रात इबादत करने वाले को 83 वर्ष की इबादत का सवाब देगा। और आप जानते हैं कि 5 रातें हैं ये, 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब और 29वीं शब। ये 5 रातों में अगर कोई जाग ले और वो शब कदर पा ले तो गोया वो 83 वर्ष अपने अल्लाह को याद करने वालों में उसका शुमार होगा और उसका नाम होगा। और अल्लाह तबारक ताला रोज जितने जहन्नम से लोगों को आजाद करता है, शायद इस रात उन लोगों में हमारा भी नाम शामिल हो जाए। अल्लाह की मदद हमारी शामिल हाल हो जाए, अल्लाह की रजा हमारी शामिल हाल हो जाए। आप रोजे तो हैं लेकिन रोजों को जाये कर रहे हैं, अपने वक्त को जाये करके अल्लाह की इबादत को छोड़ दिया, कुरान पाक को छोड़ दिया, तरावियों को छोड़ दिया, होटलों को आबाद किया, होटलों में अपनी जिंदगियों को लगा दिया, तफरीगाहों में लगा दिया। बड़े अफसोस के साथ उन मुसलमान जो नाम निहाद मुसलमान हैं, मैं उनके लिए यही कहूंगा कि अल्लाह ऐसे मुसलमानों को हिदायत दे। अगर ये हिदायत के काबिल नहीं है तो ये हमारे लिए और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए जो ये कमालात कर रहे हैं, जो ये एग्जीबिशन रख के तमाशे कर रहे हैं, जहाँ डिस्को करा रहे हैं, औरतों का नाच, मर्दों का नाच, खाने के पीने के अशिया और न जाने और क्या क्या बदमाशियां किए जा रहे हैं। याद रखो, अल्लाह से डरो। चंद रुपए कमाने के लिए जो हमारे नौजवानों को दीन से गाफिल कर रहे हैं, उतना पूरों का अजाब उन लोगों के नामे आमाल में लिखा जाएगा जो ये बुनियाद डाल रहे हैं, जो ये अमल कर रहे हैं, चाहे वो किसी खानदान के हो, चाहे वो किसी नवाबजादे हो। मगर अल्लाह से डरो उससे पहले कि तुम्हें मौत आए, और मौत ऐसी ना आए कि तुम्हारी मुंह से कलमा तक निकले, कलमा तक ना निकले। आज हमारा बच्चा पहले ही बहका हुआ है, गुमराहियों में है, उसको मजीद गुमराही के हवाले मत कर दो। और मैं नौजवानों से भी अपील कर रहा हूँ और उन घर वालों से अपील कर रहा हूँ, काश ये बात आपके समझ में आ जाए कि आपके बेटे तफरी को नहीं जा रहे हैं, आपके बेटी तफरी को नहीं जा रहे हैं, आप तफरी को नहीं जा रहे हैं, बल्कि गुनाहों से अपनी आंखों को खराब करने जा रहे हैं, कानों में गुनाहों को डालकर अपने कानों से गाफिल हो रहे हैं, जबान हिलाकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। मैं उन लोगों से जो शादी खानों में ये तमाशे कर रहे हैं, मैं तो अपील करता हूँ अब ये हालात से तौबा कर लो, अब आ जाओ अल्लाह की रहमत के सामने हाथ उठा लो, तौबा करो कमाने के लिए, अपने शान और शौकत के लिए। आज तुम फिल्म एक्टरों को बुला रहे हैं, आज तुम अपनी नुमाइश कर रहे हैं, याद रखो एक दिन तुम्हारी नुमाइश होगी और वहां कोई मिटाने वाला नहीं होगा, और वो दिन कियामत का दिन होगा। और जितने लोगों को तुम गुमराह कर रहे हैं वो सब तुम्हारी गवाही देंगे, और सिर्फ ठिकाना जहन्नम होगा। मैं आज भी उनसे अपील करता हूँ कि ये शोबदे बंद कीजिए, गाना बंद कीजिए, नाचना बंद कीजिए, ये फिल्म एक्टरों को बुलाना बंद कीजिए। खुदा रा वो सब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है जो आज बर्बाद हो रहे हैं, इनको बर्बाद होने से बचा लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।